वज़ारत-ए-क़ानून और इंसाफ़, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, वुमेन इन लॉ और ग्रुप डेवलपमेंट पाकिस्तान ने मिलकर पाकिस्तान की ख़वातीन वुकला की नुमाइंदगी के लिए एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट का इनेकाद किया है। इन अवार्ड्स को मुनक्किद करने की बुनियादी वजह ख़वातीन वुकला की काविशों, उनकी मेहनत और उनकी कामयाबी को उजागर करना है। So I hope that many of you, women lawyers, women prosecutors, women who are working in legal academia, I hope that male feminists will join us. पाकिस्तान की ख़वातीन वुकला की पाकिस्तान के निज़ाम अदल में एक तवील जद्दोजहद है और उनकी बहुत बेहतरीन कॉन्ट्रीब्यूशन भी है। Their understanding of gender and child rights issues also helps in framing a fairer jurisprudence. जब जब कोई खातून किसी अहम मनसब पर फायज होती हैं तो वो कानून साजी के अंदर, ख़वातीन की राइट्स की प्रोटेक्शन के अंदर, उनके हकूक के हसूल के लिए एक बहुत ही मुस्बत किरदार अदा कर सकती है। Overall, this is the kind of initiatives that are unprecedented and that directly help in improving the enforcement of Pakistan's international legal obligation. चाहे वो लॉ स्कूल हो, बार काउंसिल हो, लॉ फर्म हो, लॉ डिपार्टमेंट हो या और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि सनफी बिना पर शमूलियत को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको भी सराहेंगे। मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की सारी ख़वातीन वुकला इस प्रोजेक्ट की कॉल फॉर नॉमिनेशंस में आगे बढ़ें, इसके अंदर हिस्सा लें और अपनी नुमाइंदगी को यकीनी बनाएं। इन अवार्ड्स के साथ साथ कानून के शोबे में ख़वातीन की नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए हमने रिसर्च और पॉलिसी पेपर्स की कॉल भी दी है। कानून से जुड़े तमाम रिसर्चर्स, स्कॉलर्स और पॉलिसी एक्सपर्ट से हमारी गुजारिश है कि अपने एब्स्ट्रैक्ट्स 19 अक्टूबर तक हमें भेज दें। Our primary inspiration for initiating this Women in Representation in Law project was our founder, Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, who famously said that no nation can rise to the height of glory unless its women are side by side. This call for papers and this call for nominations will contribute to promoting gender equality in the legal profession, and it will also indirectly contribute to achieving Sustainable Development Goal 16.2 and 5. And I'm looking forward to seeing you to our symposium to give the award.